आपके लिए देखिए डेली जो है यहाँ पर अभी आपको डेली आपको मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर कर लेंगे सीडीपी, क्या कहेंगे सीडीपी यानी सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में। देखिए सीडीपी से आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, तो ये सीडीपी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका रहेगा उसमें आपको यहाँ पर हम पार्ट बाय पार्ट आपको देने जा। अब तक 100 प्रश्न ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, आपको बता दें 100 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके हर एग्जाम में आते हैं अब तक जितने, तो आप ऐसे प्रश्नों को देखना नहीं भूलेंगे। और यदि आप जरूर देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कितना आपका सही हो रहा है। जल्द से जल्द जुड़ जाइए और लाइव सेशन में आप जरूर कमेंट करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न जो आपका आया, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जिसको हम लोग एनसीए नेशनल कुरिकुलम के नाम से जानते हैं, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर बालकों को अंक गणित का ज्ञान देना, बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बालकों में तार्किक की चिंता तथा समस्या समाधान योग्यता का विकसित करना, बालकों का संवेगात्मक विकास करना, क्या सही होगा इसमें से। तो चलिए आते हैं एक एक करके इसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ से एक प्रश्न आपका आता ही आता है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पर दे रहा है बालकों को गणित का ज्ञान देना। देखिए ये भी सही है कि बालकों को अंक गणित का ज्ञान देना चाहिए, लेकिन एनसीएफ के अनुसार हमको बताना है जिसके अनुसार यह सही नहीं है, ठीक है, जिसके अनुसार यह क्या है सही नहीं है आपका, ठीक है। अब अगला आप यहाँ पर देखेंगे, अगला आपका चलेगा, तो अगला देखिए बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, तो एनसीएफ के अनुसार बालकों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके अनुसार एनसीएफ नहीं कहता है, ठीक है। अगला है बालकों में तार्किक चिंता तथा समस्या समाधान का योग्यता विकसित करना। देखिए ये बिल्कुल एनसीएफ का ये बिल्कुल राइट सेक्टर है कि बालकों में क्या करना है, तो तार्किक चिंता तथा समस्या समाधान का योग्यता विकसित करना जो है यहाँ पर एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य है गणित शिक्षण का। यानी गणित शिक्षण किस लिए करवाया जाता है, तो बालकों में तार्किक चिंता उत्पन्न हो सके और समस्या समाधान की योग्यता विकसित कर सके, ये बच्चों की मुख्य विशेषता है या गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, नैदानिक परीक्षा यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है, ठीक है। देखिए कमजोर क्षेत्र की पहचान करना, उपचारात्मक कार्यक्रम के विशेष प्रकृति की आवश्यकता, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता करना, बालकों की कठिनाइयों का पता करना, क्या है इसका, ठीक है। तो देखिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है नैदानिक परीक्षण जो होता है वो बच्चों का इसलिए कराया जाता है कि उनकी जो अकादमिक जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी जो अकादमिक है कठिनाइयां उनके कारणों का पता चल सके, इनकी जो यहाँ पर एजुकेशनल डिफरेंट आ रहा है, एजुकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, अकादमिक का जो आ रहा है वो यहाँ पर कठिनाइयों का पता करना डायग्नोस्टिक सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, तो ये प्रश्न सभी आए हुए हैं, ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, इसलिए आपके सारे प्रश्नों को यहाँ पर जरूर टेकअप करते चलिए गा और जरूर कमेंट करते चलिए कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। देखिए बहुत बार आप लोग ऐसा कहते सुनते होंगे कि पुरुष जो है वो स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, तो यह कथन से क्या आपको निष्कर्ष निकलता है आप सारे को बतलाना है, सही हो सकता है, क्या हो सकता है आपको बताना है, सही हो सकता है यह सही कथन है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या गलत है, क्या कुछ इसमें सही होगा। तो देखिए पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये एक जो है पहले की कहावत है, यह सही कहावत नहीं है, ठीक है, यह सही बात नहीं है। यानी पहला है कि सही हो सकता है, यह सही बात नहीं है। इसका मतलब है कि पहले से आपके दिमाग में एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, जो दिमाग में आता है कि ये लड़की है तो ये लड़का है, ये पुरुष है तो ये महिला है, ये ज्यादा तेज होते हैं कमजोर होते हैं, ये आपके दिमाग की सेंसिटिव एरिया को बताता है, लेकिन यह सही बात नहीं है। तो इससे क्या होता है, तो यह आदमी या बच्चा जो भी ऐसा सोचता है वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि स्त्रियां ऐसी होती है तो पुरुष ऐसे होते हैं, जबकि ऐसी कोई बात की सच्चाई नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगला है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों आपको हम बताते चले, मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं आपको मैं बताते चलूं कि देखिए यहाँ पर आपके लिए जो सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा होनी है उसके 100% 101% सफलता यदि आप पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट चैनल होगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ये हाथ से लिखा हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह करते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स का संग्रह करते हैं जो अब तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और वो ऐसे ही प्रश्नों को आपके बीच सिर्फ लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके सटीक एग्जाम में भिड़े। और यह सिर्फ पेडागोगी का ही नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट का क्लास यहां पर दिया जा रहा है और वो भी ट्रिक के साथ दिया जा रहा है, ठीक है? तो और सारे सब्जेक्टों का यहां पर बहुत ज्यादा पढ़ाई हो सके, नोट्स बन गए हैं, एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ यदि आप में से जो चाहते होंगे वो परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ राशि रखी गई है लाइफ टाइम 501 रुपए सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा के लिए। तो यदि सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में 101% यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं और यहां से सारे नोट्स और पीडीएफ परचेज कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है? चलिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है, शिक्षक के पास धन के लिए कोई मतलब नहीं होता है पढ़ाई में, ठीक है? उनका उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क होना चाहिए, बच्चा को पढ़ाना है शिक्षक को, न कि अधिकारियों से मतलब है, इसलिए यह भी गलत है। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर यही होगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपने भी सही यही आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि उनकी जो विद्यार्थी हैं उनके समस्याओं का हल करने का उनको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? उनको अपनी समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान है तो एक सही शिक्षक है, और वो साधन संपन्न है और वो सुखी संपन्न है, इसी को कहते हैं, ठीक है? अगला है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि विद्यार्थियों के बीच आप फेमस हो तो आप सुखी संपन्न हो और आप समृद्ध हो। आपका समृद्ध होने का मतलब है कि आप अपने विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती है उसको आप हल करने का यदि ज्ञान रखते हैं तो आप ज्यादा समृद्ध होते हैं, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न होगा आपका, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रहा है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं, क्या सही है? लड़के बुद्धिमान होते हैं, हमें तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अभी चलते हैं आगे ऑप्शन की ओर, उसके बाद देखिए होते हैं, सीडीपी ऐसे होते हैं जिसमें लगता है कि हर आंसर सही है, ठीक है? लेकिन इसके लिए हर आंसर सही नहीं होता है, कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो सबसे सटीक होते हैं और उसी सटीक आंसर को आपको चुनना पड़ता है, इसलिए आप शुरू बार ही किसी को टिकिंग ना करें, एक दो बार तीन बार जरूर पढ़ लिया करेंगे, ठीक है? तो लड़के बुद्धिमान होते हैं, चलिए देखते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। अगला है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए लड़के बुद्धिमान होते हैं ये भी गलत है, लड़कियां बुद्धिमान होती हैं ये भी गलत है, और लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं ये भी गलत है। यानी राइट आंसर इसका होगा कि बुद्धि का देखिए लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि वह महिला है या वह पुरुष है, ये संबंध कभी भी बुद्धि के साथ नहीं लेना चाहिए। कोई भी तेज हो सकता है, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, इसलिए बुद्धि का लिंग के आधार पर आप यदि संबंध दर्शाते हैं कि महिला अधिक तेज होती है, लड़कियां अधिक तेज होती है, पुरुष अधिक तेज होते हैं, तो ये सबसे रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है? यानी यहां पर जो है सत्य में बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है, कोई भी तेज हो सकती है, चाहे वह लड़का हो चाहे वह लड़की हो, इससे पूर्वाग्रसित नहीं रहना है। ये प्रश्न आपका अभी तक 4 से 5 बार आपका पूछ दिया गया है, लगभग सभी टेट में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आकलन परीक्षा में भी आने वाले हैं। आपको देखिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो शिक्षार्थी होते हैं वो कोई भी एक समान नहीं होते। स्कूल में अगर 100 बच्चे आते हैं तो वो सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, आखिर इसका क्या कारण है, ठीक है? आखिर इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण क्या है? विकास की दर, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता या बुद्धि सामान्य है कि
शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें, विकास की दर में, किसमें भिन्न होते हैं, विकास की दर में, ठीक है। देखिए विकास सबका अलग अलग होता है, विकास सबका अलग अलग होता है, ठीक है, विकास सभी का अलग अलग होता है, सभी शिक्षार्थियों का। यह कारण देखिए क्या होता है, उसके वंशानुक्रम और उसका वातावरण से संबंध होता है। किसके कारण विकास की दर अलग अलग होती है, तो वंशानुक्रम और वातावरण के आधार पर इनकी दर जो होती है अलग अलग होती ही है, ठीक है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अगला यहाँ पर देखेंगे। तो अगला देखिए आ गया है आपके लिए, यहाँ पर देखते चलिएगा। देखिए बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर इसमें कौन सा कथन सत्य होगा। अब पहला है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या सही है, ये आपको सही लग रहा है कि सारे बच्चे एक जैसे कभी भी हो सकते हैं, तो हमें तो नहीं लगता है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। एक पेड़ की, आप लोग कभी पढ़े होंगे, एक पेड़ की कोई भी दो पत्तियां भी एक समान नहीं होती, सारे बच्चे एक जैसे हो कैसे सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो देखिए कुछ बच्चे, कोई भी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं होते, प्रत्येक बच्चा देखिए विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा यानी प्रत्येक बच्चा में अलग अलग क्वालिटी होता है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में विशिष्ट होता है, यानी प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ये पूरा पूरा सही बात है, इसलिए इसमें से आप लिखेंगे प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, यह बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। और यह आपका अभी तक देखिए यूपी टेट और एमपी टेट में जो है तीन तीन बार आ चुका है, और जेटेट में भी आपका आया हुआ है, ठीक है। देखिएगा अगला, यहां पर अगला हो जाएगा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए। यदि देखिए आप सभी शिक्षक बिंदु हैं, हमारे भाई जी लोग सभी आप लोग शिक्षक बिंदु हैं, आप लोग सीडीपी को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, और बारीकी से जब आंसर दीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये सही होना चाहिए, ठीक है, इसलिए जोर दे करके उसको दिमाग पर और उसको पकड़ना है कि क्या कहा जा रहा है, तब नहीं तो लगेगा कि सभी सही है, लगेगा इसमें से कि सभी सही है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत समझिए कि सभी सही है, उसमें एक बिल्कुल ज्यादा सटीक बैठेगा। तो बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार से होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि बोर्ड परीक्षा लेकर के होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, या गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा होना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो देखिए यहाँ पर गलत है कि बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, ये कभी भी सही नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, तो देखिए ये बिल्कुल सही है, अभी जो है आपको सीसी जो चल रहा है उसके अनुसार क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों का किया जाना है, जो कि बिल्कुल सही है आपका, एग्री परीक्षा का नहीं है, लिखित और मौखिक से भी बच्चों का मूल्यांकन नहीं होता है। बच्चों का मूल्यांकन कैसे होता है, तो सतत और व्यापक रूप से मूल्यांकन करवाना चाहिए बच्चों का, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका भी आ रहा है। चलिए अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, एक कक्षा में विद्यार्थी जो है पढ़ते रहे, उनके पढ़ाई के प्रति रुचि बना हुआ रहे और वो इंगेज रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, एक क्या करना उचित होगा, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पर दिया है कि श्यामपट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, श्यामपट का। दूसरा है कि चर्चा करना चाहिए, तीसरा है कि कहानी कहना चाहिए, चौथा है कि प्रश्न पूछना चाहिए, क्या सही होगा, आप लोग भी कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो देखिए कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को जो है यहाँ पर आपके लिए तो प्रश्न पूछते रहना चाहिए बीच बीच में, ठीक है, तब बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और वो पढ़ाई में ध्यान लगाए हुए रहते हैं ना। तो देखिए यदि खाली श्यामपट का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे से कुछ पूछ नहीं रहे, तो वो भी वहां पर लेजी हो जाते हैं। यदि आप केवल चर्चा कर रहे हैं तो बच्चे कहानी समझ के सुनते सुनते भी सूझ जाते हैं, और कहानी कर रहे तो ऑटोमेटिक बच्चा जो है सुनने लगता है और वहां पर क्या करता है, तो नींद भी आ जाता है। लेकिन जब प्रश्न पूछने की बात कह देते हैं तो बच्चा आपको बहुत बारीकी से बात को सुनता है कि किस समय हमारे शिक्षक क्या हमसे पूछ देंगे या नहीं पूछ देंगे, और ये जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए यहां पर हम लेकर के आते हैं, अगला यह पेज नंबर आ गया है आपका। देखिए अगला है यहां पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली जो है उसका क्या मतलब है। सभी विषयों का मूल्यांकन हो गया, सौ शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन हो गया, शैक्षिक एवं सौ शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन हो गया,
या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन हो गया। तो देखिए अभी यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है, तो उसमें सतत और व्यापक का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है, बहुत बार यह प्रश्न आया है, कितनी बार कहा जाए उतना ही कम होगा आपको, ठीक है। तो सभी विषयों का मूल्यांकन होना चाहिए, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होना चाहिए, शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो देखिए सबसे पहले सभी बच्चों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सभी विषयों का मूल्यांकन कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन ये तो होना ही चाहिए, और यहाँ पर शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो देखिए ये जो क्षेत्र आपको दे रहा है इसमें दोनों को दे रहा है, एजुकेशन का भी दे रहा है और सामाजिक गुण का भी और शारीरिक गुण का भी दे रहा है, ठीक है। तो एक बच्चा में सतत और व्यापलंग का अर्थ है उसके सारे गुणों का अवलोकन करना। तो सारे गुण बच्चों का हम कैसे अवलोकन कर सकते हैं, तो शैक्षिक क्षेत्र में जाकर के और शैक्षिक क्षेत्र में जाकर के। अभी जो हम लोग मार्कशीट बनाते हैं तो उसमें देखते हैं 80 नंबर का आपको एजुकेशनल रहता है और 20 नंबर में आपके सारे स्कोर होते हैं कि बच्चा कितना दिन उपस्थित हुआ, बच्चा ने किस तरह का व्यवहार किया अपने शिक्षक के साथ, बच्चा का सामाजिक कार्य में कितना रुचि है, बच्चा का खेल में कितना रुचि है, जो इसको हम लोग कहते हैं शैक्षिक। क्या कहते हैं? शैक्षिक। और एक हो गया आपका शैक्षिक कार्यक्रम, ठीक है। तो जो एजुकेशनल है इसलिए दोनों क्षेत्र में आपको यहाँ पर मूल्यांकन का मतलब हुआ सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ हो गया शैक्षिक में भी और शैक्षिक क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में मूल्यांकन होता है, ठीक है। चलिए अगला है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। यदि आप मूल्यांकन करते हैं बच्चा का, एवल्यूशन जब हम कर रहे होते हैं बच्चा का, तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या मतलब है आपको बताना है, ठीक है। धीमी गति और तेज गति से सीखने वाले बालकों को एक लेवल करना, क्या मूल्यांकन का यही उद्देश्य है कि जो बच्चा धीमी गति से चल रहा है और जो तेज गति से चल रहा है उसको एक लेवल में लाना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, तो ये गलत है, ये नहीं होता है, ठीक है। अगला है उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता वाले बालक की पहचान करना, ठीक है। अगला है उपचारात्मक शिक्षा वाले बालक की पहचान करना, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी आपका नहीं है। अधिगम की कठिनाई वाले क्षेत्र का पता लगाना, ये भी सही नहीं है। अगला आप देखिएगा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पौष्टिक पोषण प्रदान करना। देखिए मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चा को यहाँ पर जो हमें सामाजिक क्षेत्र यानी शैक्षिक क्षेत्र और शैक्षिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र में आवश्यकता होता है जो कि उसके जीवन जीने के लिए जरूरी होता है, वह तैयार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये मुख्य उद्देश्य होता है आपका मूल्यांकन का, ठीक है। तो मूल्यांकन का है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, किस सीमा तक हो पा रहा है, उसका पुष्टि पोषण करना, प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला है सीसीई, देखिए जो हम लोग सीसीई करते हैं, ठीक है, बच्चों का सीसी लेते हैं, में औपचारिक और योग्यतमक निर्धारण का कुल मूल्य होता है, जो हम लोग सीसी करते हैं, जो निर्धारण करते हैं बच्चा का, जो मार्कशीट हम लोग बनाते हैं उसमें कुल मूल्य कितना कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। 40% और 60% लेते हैं, 30% और 70% लेते हैं, 50% और 50% लेते हैं, या कोई नहीं लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, ठीक है। तो सीसीई में जो हम लोग लेते हैं उसका मूल्य जो होता है वो देखिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जो आपका यहाँ पर सीसी का लीजिए, जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, FA1 लेते हैं, FA2 लेते हैं, SA1 लेते हैं, SA2 लेते हैं ना, तो इसमें कितना होता है, तो एक 60 का होता है और एक 40 का होता है, यानी 40% होता है और कितना होता है 60% होता है, ये आप लोग अपने अपने एग्जाम में करते होंगे, ठीक है। तो 40% और 60% इसका मुख्य अंश होता है। अगला है यहाँ पर देखिएगा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछता है तो उन्हें आप क्या करते हैं, ठीक है। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह दिया जाना चाहिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने का सलाह देना चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए वैसे बच्चों को, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्या इसका सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका देखिएगा, यहाँ पर आपको कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने को कहने देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है।
कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही आपका चल रहा है, ठीक है। तो ये कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए बच्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, वैसे बच्चों को जो कक्षा विद्यार्थी में प्रश्न पूछते हैं, जो कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला यहां पर आ जाएगा आपका, आगे देखिएगा। शिवानी द्वारा पूर्व में पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, पूर्व में पूछे गए प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक को की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। मान लीजिए कि यदि कोई यहाँ पर है शिवानी जिसे है वो एक प्रश्न पूछती है उत्तर से, और उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकते हैं, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया बच्चा के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, देखिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, अगर शिवानी कुछ भी पूछ रही है तो उसका ध्यान हम बटा दें, या शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं, उस समय लगे तो कहना चाहिए कि शिक्षक को कि मैं नहीं जानता हूं, या ये कहना चाहिए कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो क्या इसका सही आंसर होगा, तो सबसे पहले देखिए एक एक करके हम देखते हैं, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, ये बिल्कुल एक गलत शिक्षक का पहचान है, कि यदि बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है और यदि हम नहीं जानते हैं तो बच्चा को हम उसको डांट करके क्या कर दे, चुप करा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, ठीक है। शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, अगर शिवानी कुछ बोल रही है तो एक शिक्षक होंगे तो उसको डांट करके उसको हम क्या करेंगे, वहां से ध्यान बटा देंगे, यदि उसका प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आ रहा, ये क्या सही है, तो ये बिल्कुल गलत है, ध्यान नहीं बटाना चाहिए बच्चे को। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता, तो ये भी आप बच्चों के सामने ये नहीं कहेंगे यदि शिक्षक है कि मैं नहीं जानता हूं, ठीक है, वहां से हट जाना चाहिए शिक्षक को। और क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए, ठीक है। वहां से उस समय हमें नहीं आता है तो हम वहां से हट जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हम जब समझ लेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। अगला है, एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है, एक बच्चा जो है विद्यालय में प्रायः प्रश्न पूछता है इसका उचित रूप से अर्थ क्या है आपको बताना है, ठीक है, इसका उचित रूप से अर्थ क्या है आप बताइएगा, तो आप ऑप्शन को पढ़िएगा उसके बाद हमें बताइए कि इसका उचित रूप से अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वह शरारती है, क्या है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि वह शरारती है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वह अधिक जिज्ञासु है, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि वह असामान्य है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि वह जो है यहाँ पर आपका क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए चैट भी करते रहिएगा, हमें जवाब देते रहिएगा क्या कुछ इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पर, देखिए वह प्रतिभाशाली है, क्या है, तो देखिए एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है इसका मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब है यहाँ पर देखिए क्या है, बैद्यनाथ रवानी जी आपका कहना है कि क्वेश्चन नंबर भी बताइए सर, ठीक है क्वेश्चन नंबर बताते हैं। तो एक बच्चा प्रायः कक्षा में प्रश्न पूछता है इसका उचित रूप से अर्थ यह है कि वह जो है अधिक जिज्ञासु है, वह है अधिक जिज्ञासु है, इसका मतलब यही होता है कि ठीक है वह बच्चा क्या है अधिक जिज्ञासु है, ठीक है। अगला देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, असंगठित घर से ऐसा बालक जो अभी तक पढ़ता लिखता नहीं था और वो आपके घर यदि आता है, वो आपके विद्यालय में आता है, तो वह सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव क्या करता है, सुनिर्मित पाठ में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिका में, किस में वह जो है सबसे अधिक कठिनाई करेगा। तो देखिए अगर जो बच्चा असंगठित घर से आया है, जो साथ में नहीं रहता है, अकेले अकेले रहता है, तो वो यहाँ पर क्या अनुभव करेगा, तो वो सबसे ज्यादा जो अनुभव करेगा वो कष्ट अनुभव करेगा,
वो आपका यहाँ पर देखिए करेगा स्वतंत्र अध्ययन में, किसमें करेगा स्वतंत्र अध्ययन में, उसको यहाँ पर कठिनाई का अनुभव होगा। वह स्वतंत्र रूप से जब अध्ययन करेगा तो उसको कठिनाई यहाँ पर लगेगा, क्योंकि वह असंगठित घर से है और अब तक इस कार्य में वह रुचि नहीं ले रहा होता है, तो उसको अध्ययन में जो होता है कठिनाई अनुभव होता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, देखिए अनपढ़ है माता पिता और उनके बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, पहला चीज आप अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, दूसरा आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, तीसरा आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, चौथा आप उसे अपनी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्या सही आंसर होगा, आइए एक एक करके इसको लोग देखते हैं, ठीक है। आप अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। यदि अनपढ़ घर के माता पिता आए हैं और आप अपने बच्चों को अंग्रेजी से बात कीजिएगा तो वो बच्चा वहां से क्या होगा, कठिनाई अनुभव करेगा और वहां से ले दमा के भाग जाएगा, दुम दमा के क्या होगा, वहां से भाग जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अपने बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चा आपका यह जो अनपढ़ माता पिता के बच्चे आए हैं तो आप अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बात करेंगे, तो बच्चा तो अनपढ़ घर से आया है, उसके घर हिंदी चलती है और आप एक बैगे अंग्रेजी में बात बोलने के लिए बात करेंगे, वो बच्चा क्या होगा, उस विद्यालय से रफू चक्कर हो जाएगा, उस विद्यालय से वह भाग जाएगा। तो आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए कभी भी बाध्य नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। एक चीज आप जानते होंगे, आप सभी शिक्षक बंधु, बच्चा जो है मातृभाषा में ही, अपनी भाषा में ही सबसे जल्दी कोई चीज बोलने लिखने पढ़ने सीखता है, ठीक है। तो हम बच्चे को अपनी मातृभाषा में बोलने से कभी भी नहीं रोकेंगे, ठीक है, कभी भी बोलने से नहीं रोकेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर किनका, तो बैद्यनाथ रवानी जी का आंसर आया है डी। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर होगा डी इसका। आप क्या करेंगे, उससे अपनी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही है, उससे अपनी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि यदि आप जो है, बच्चा यहाँ पर क्या करता है, अगर मैंगो का आम कह रहा है तो आम से ही उसको सिखाएंगे कि आम को हम लोग कहते हैं मैंगो, ठीक है। तो अब बच्चा जो है हिंदी जानता था, अब हिंदी के बाद यदि उसको हम अंग्रेजी बताते हैं तो वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा होता है, क्योंकि आम उसकी मातृभाषा है। अब अंग्रेजी में हम उसको जब सिखाएंगे तो बिल्कुल यहां से क्लियर हो जाएगा, अंग्रेजी भी वह जान जाएगा और अपनी मातृभाषा की सहायता से सीख लेगा। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो यह बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर हमने अभी तक जो है, यहाँ पर इसका सीरीज चल रहा है, सीडीपी का अभी हम लोग इंपोर्टेंट सीरीज चला रहे हैं, जिसका देखिए पार्ट थर्ड आपका चल रहा है, ठीक है। तो डेली आपके लिए हम 30 क्वेश्चन लगभग लेकर के आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन, और आप यहाँ पर डेली हमारे साथ जुड़ करके प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको बता दें, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 501 रुपए दे करके हमारे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, तो उनका क्लास तो चल ही रहा है, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं और जिनको इन सारे नोट्स की आवश्यकता है, ये सारे नोट्स जो है आपके एनसीईआरटी नोट्स का पीडीएफ है, जिनको चाहिए, जिनको यह नोट्स चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, 501 रुपए हमारे मोबाइल नंबर आप लिख लेंगे, मोबाइल नंबर मेरा होगा 9631054226 पर संपर्क करके आप यहां से सारे नोट्स और पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। और 101% जो है पारा शिक्षक आकलन परीक्षा, सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में आप लोग सभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर लास्ट होता है, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।